Assalamualaikum alaikum, students. Today we are going to start a new lesson in class 5th English, that is, Boat Race Around the World. Very informative and very interesting story. Let's start the lesson. Vina and Rajesh had recently been to Kerala to spend onam with their aunt and uncle there they had seen the amazing vollemkly boat race. their friend elias and sam wanted to know all about it. the vollemkly is all about speed. said vina. boat races are held in kerala during onam. the harvest festival, the boats are called snake boats because they look like snakes with raised hoods. With a towering rear and a narrow front. These are not ordinary boats. A snake boat is usually about a hundred feet long and is made of a special kind of wood. It takes a lot of patience and hard work to make a snake board. Specially trained craftspeople work for months to make a boat ready for the race. How many people does it take to row such a long boat? asked Sim. At least a hundred oarsmen, said Vina. That there are four helmsmen and twenty-five singers. The singers stand in the boats and sing the uh, wanchipatu the song of boatsmen. The first rhythm of the songs encourages the oarsmen to row the boats faster. तो फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स देखो शाबाश इनके हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वीना एंड राजेश रिसेंटली बीन टू करला टू स्पेंड ओनम विद देयर फ्रेंड आंट एंड अंकल वीना और राजेश रिसेंटली रीसेंटली स्पेंड करने जाना था अपने ओनम की दिन विद देयर आंट्स अपने अंकल्स और अपने आंट के साथ बिताने जा रहा था दे सीन अमेजिंग बोर्ड रेस वहाँ पे उन्होंने क्या देखा अमेजिंग हैरानकुन एक वालमकली एक फेस्टिवल बोट फेस्टिवल रेस का एक फेस्टिवल देखने लगी वहाँ पे दर फ्रेंड एलायस एंड सेम उनके फ्रेंड एलायस और सेम टू नो जानना चाहते थे ऑल अबाउट इट इनके बारे में पूरे द इज़ ऑल अबाउट स्पीड ये जो फेस्टिवल जो ना ये स्पीड के बारे में है सेट वीना वीना ने कहा बोर्ड रेस आर हेल्ट इन केरला ये वलमकली जो बोर्ड रेस कहाँ पे होते हैं ये केरला में होते हैं ड्यूरिंग ओनम के फेस्टिवल के दौरान द हावेस फेस्टिवल ओनम एक हावेस फेस्टिवल होते हैं एक त्यौहार होते हैं द बोर्ड्स आर कार्ल्ड स्नैक बोर्ड वहाँ के जो बोर्ड्स होते हैं उन बोर्डस को स्नै बोर्ड्स कहा जाता है क्यों बिकॉज दे लुक लाइक ए स्नैस उन वो मिसाल की बिल्कुल स्नैक की तरह ही होते वो बोर्ड्स इसलिए उनको स्नैक बोर्ड भी कहा जाते हैं उनका हुड जो ना रेस होता है ऊपर की तरह उठाव होते हैं विद एक एक लंबा सा एक पतला सा एंड नैरो फ्रंट आगे से फ्रंट क्या है उनका आगे बिल्कुल तंग है जैसे कश्ती की तरह ठीक है डीज आर नॉट ऑर्डिनरी बोर्ड ये कोई मामूली बोर्ड्स नहीं होते हैं स्नैक बोर्ड इज़ यूजअली अबाउट हंड्रेड फीट एक स्नैक बोर्ड सौ फीट का होते है लंबा एंड इस मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ अलग कस्म के लकड़ी के बने होते हैं ये इट टेक्स ए लॉट ऑफ पेशेंस इस बोर्ड को बनाने के लिए एक लम एक बड़ा सा क्या होते हैं पेशेंस सब्र की जरूरत होती है एंड हार्ड वर्क सख्त मेहनत की जरूरत होती है टू मेक ए स्नैक बोर्ड एक स्नैक बोर्ड बनाने के लिए स्पेशली कर ट्रेन पीपल जो ट्रेनड क्राफ्ट पीपल्स जो होते हैं क्राफ्ट पीपल मीनस कारीगर जो होते हैं वर्क फॉर मंथ्स एक महीने के लिए काम करते हैं टू मेक ए बोट रेडी एक महीने के बाद ये बोट रेडी होते हैं फॉर द रेस उस रेस को उस स्पीड को उस रेस को दौड़ाने के लिए हाउ मैनी पीपल डज टेक टू रो सच ए लॉन्ग बोर्ड कितने लोग इसमें उठाते हैं उस रो में होते हैं ऐसे लंबा सा बोर्ड में आस्किट सैम सैम ने एक क्वेश्चन पूछा एटलीस्ट अंड्रेड और उसमें लगभग हंड्रेड मीन्स एक और मैन होते हंड्रेड सौ के तदादाद में क्या होते है और मैन होते मुल्ला होते किश्ती चलाने वाला होते हैं सेडवीना वीना ने कहा देन देर आर फोर हेल्स और उसमें चार हेल्स होते हैंल्स मींस किश्ती कश्ती में आ, लोगों को गाइड करने वाला कंट्रोल करने वाला उस बंदे को हेल्स कहा जाते हैं एंड ट्वेंटी फाइव सिंगर्स होते हैं लगभग उसमें पच्चीस सिंगर उसमें होते हैं कश्ती में गाने वाला होते हैं द सिंगर्स स्टैंड इन ए बोर्ड वो लोक आ, बोर्ड में खड़े रहते हैं एंड सिंगाते हैं दांचपाती वंशपाती वान्च मीन्स वंशपति सॉन्ग ऑफ ए बोर्ड्स मैन जो कश्ती चलाने वालों का एक अपना एक गीत होते हैं एक संघ होते हैं वो उसे वांचपातो कहा जाते हैं द फास्ट रिदम पहले मिसरे में क्या होते सॉन्ग दि द ओर्समैन ओर्समैन को मुल्ले को क्या करते हैं इनकोज देते हैं उनका हौसला अफजाई करते हैं टू द बोर्ड फास्टर अपने बोर्ड्स को तेज़ी से चलाने के लिए आज इतना ही काफ़ी है, है दैट्स फॉर टुडे